हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुभव रवि के मैथ्स में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 4 दिमागी कसरत। अगर इस प्रश्नावली को पूरा पढ़ लोगे तो पूरे नंबर ला सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा दोस्तों संख्याओं का व्यापक रूप। संख्याओं का व्यापक रूप, तो सबसे पहले लेते हैं हम सबसे पहले दो अंकों वाली संख्याओं का व्यापक रूप। दो अंकों वाली, अंकों वाली संख्याओं का, संख्याओं का क्या करना है, हमें व्यापक रूप लिखना है। जैसे दोस्तों मैंने कोई एग्जांपल के तौर पर कोई संख्या 25 ली, ठीक है। अब दोस्तों 25 का हमें क्या लिखना है, व्यापक रूप। लेकिन उससे पहले ये दोनों स्टेप ध्यान में रखना, पीछे वाले अंक को क्या कहते हैं, इकाई अंक। क्या कहते हैं, इकाई अंक। पीछे वाले को, यानी कि पीछे वाले को, इस अंक को क्या कहेंगे, इकाई अंक। और इससे अगले अंक को क्या कहते हैं, दहाई अंक। दहाई अंक हो गया। अब आपको क्या करना है, 25 को व्यापक रूप में लिखना है, यानी कि विस्तारित रूप में। तो देखो दोस्तों, पीछे से इकाई अंक क्या, इकाई अंक क्या है हमारा, 5। ये जो 5 है ना, इसको गुणा करना है 1 से, ठीक है। उसके बाद लगाना है प्लस, इसके अगला अंक कौन सा है, दहाई अंक 2 है, 2 को गुणा करना है 10 से। किससे, 10 से। अब देखो 2 को 10 से गुणा करोगे कितना आएगा, 20, प्लस 5 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5, और 20 और 5 कितने हो गए, 25। तो 25 हमारा यहां पर, 25 हमारा यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ, विस्तारित रूप, यानी कि बड़े रूप में किस प्रकार लिख सकते हो, विस्तार करके या व्यापक रूप में। अब देखो ये समझ में नहीं आया तो एक संख्या और लो, जैसे मान लो हमने 65 ले ली। अब 65 को हमें व्यापक रूप में लिखना है, तो पीछे से इकाई अंक क्या, इकाई अंक क्या है हमारा, 5। अब 5 को किससे गुणा करना है, 1 से, तो 1 से गुणा कर दिया। फिर है हमारा दहाई अंक 6। अब 6 को किससे गुणा करेंगे, 10 से, कर दिया। अब देखो 6 को 10 से गुणा करोगे तो 60, प्लस 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5। तो बताओ 60 और 5 कितने हो गए, 65। तो हमारा व्यापक रूप क्या निकला, 6 गुणा 10, और यहां पर सॉरी प्लस 5 × 1, तो ये निकला है 25 का व्यापक रूप। तो इस प्रकार आप व्यापक रूप निकाल सकते हो। समझ में नहीं आया तो एक संख्या और ले लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। हमने संख्या ले ली है 91 ले ली। अब पीछे वाले अंक को किससे गुणा करना है, 1 को 1 से, इकाई अंक क्या है यहां पर, 1, और 1 को किससे गुणा करना है, जिस प्रकार हम दोनों में किया था, 1 से। फिर लगाना है प्लस, फिर दहाई अंक क्या है हमारा, 9। अब 9 को किससे गुणा करना है, 10 से। अब देखो दोस्तों 9 को 1 से गुणा करो कितना आएगा, 90, प्लस 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, और 90 और 1 कितने हो गए, 91, जो कि हमारा यहीं पर भी मिल रहा है और यहां पर भी मिल रहा है। तो 91 का व्यापक रूप क्या है आपका, 9 × 10 प्लस 1 × 1। अब दोस्तों इसको सूत्र के रूप में हमें तैयार करना है। किसके रूप में, सूत्र हमारा क्या होता है, ये कोई दो संख्या है ए और बी। अब बताओ इसका इसका जो इकाई अंक है वो क्या है, इसका इकाई अंक है बी। क्या है, बी। अब बी को किससे गुणा करेंगे, 1 से, कर दिया। उसके बाद आप निशान लगाओ यहां पर प्लस का। अब है दहाई अंक, आपका दहाई अंक क्या है, ए। अब ए को किससे गुणा करोगे, 10 से। किससे गुणा करोगे, 10 से। तो ये क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आया आपका व्यापक रूप। कौन सा रूप, व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या निकला, ए को 10 से गुणा करो कितना आएगा, 10 ए, प्लस बी को 1 से गुणा करो, 1 से, तो बी आएगा। बी को 1 से गुणा करो, यहां लगा भी सकते हो 1 × बी। तो दोस्तों इस प्रकार आप दो अंकों वाली संख्याओं का क्या याद कर सकते हो, व्यापक रूप। अब हम करते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं का व्यापक रूप। कितनी संख्याओं का, 3 अंकों वाली व्यापक रूप। अगर समझ जाते हो तो प्रश्नावली पूरा अच्छा सा प्रश्नावली है, छोटा सा प्रश्नावली है, अच्छे नंबर ला सकते हो। अब हम दोस्तों करेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं का व्यापक रूप। यहां पर लिख देता हूं मैं 3 अंकों वाली का,
अब देखो दोस्तों, मैंने कोई तीन अंकों वाली संख्या ले ली, 3, 4, 5, यानी कि 345। तो कितने अंक है इसमें? 1, 2, 3, तीन अंक है ना। अब पीछे वाले अंक को क्या कहेंगे हम? इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें होता है इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, ये आपको आता है। अब 345 को हम व्यापक रूप में कैसे लिख सकते हैं? 300 + 40 + 5, इस रूप में लिख सकते हैं ना। अब हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, यहां पर इकाई अंक है, इकाई अंक को हम किससे गुणा करते हैं? पीछे वाले अंक को 5 है तो 5 को करते हैं 1 से गुणा, फिर प्लस का निशान लगाना है, फिर दहाई अंक, दहाई अंक हमारा क्या है? 4, तो 4 को गुणा करेंगे 10 से। इतना कॉन्सेप्ट तो हम 2 अंकों वाले इसमें सीख गए थे। अब हमारा है तीसरा अंक, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में क्या है? 3, तो 1 के बाद 10, अब 3 को गुणा करेंगे 100 से, और यहां पर लगाना है आपको प्लस। तो ये आ गया दोस्तों आपका विस्तारित रूप। एक और समझ लो, 442 है, इसको हमें किस रूप में लिखना है? व्यापक रूप में। तो यहां पर है इकाई अंक, इकाई अंक को किससे गुणा करेंगे? 1 से, फिर लगाएंगे प्लस, फिर दहाई अंक क्या है? 4, तो 4 को किससे गुणा करते हैं? दहाई अंक को 10 से गुणा, फिर यहां पर देखो 4 है लास्ट में, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहां पर 4 को किससे गुणा करेंगे? सैकड़े को 100 से, और यहां पर लगा देंगे प्लस। तो ये आ गया इसका व्यापक रूप। कौन सा रूप? व्यापक रूप। अब एक बात और ध्यान रख देना, मैंने पिछले वाले में नहीं लिखाया था, सॉरी, वहां पर दोस्तों जो ये आपका बी होता है ना, बी पीछे वाला, ये जो बी, सॉरी ए और बी आया था पीछे वाले सूत्र में, ए और बी, ये जो दोस्तों बी है ना, बी के लिए हमेशा मान 0 से 9 तक रहेंगे, कहां से? 0 से 9 तक। और ए है ना, ये जो अगले वाला ए, इसका मान हमेशा 1 से 9 तक रहेगा। इतना थोड़ा मैंने लिखाने में भूल कर दी, तो ये भी लिख लेना, ठीक है। अब देखो इसका क्या सूत्र बनेगा, यहां पर मान लो कोई ए बी सी कोई संख्या है, तीन अंक है। अब देखो पीछे वाले अंक को किससे गुणा करते हैं? 1 से, फिर प्लस, फिर दहाई अंक को किससे गुणा करते हैं? 10 से, तो कर दिया, फिर सैकड़ा को किससे गुणा करते हैं? सैकड़ा को गुणा करते हैं 100 से। तो विस्तारित रूप हो गया ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100a + 10b + सी को 1 से गुणा करोगे तो सी आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हम तीन अंकों वाली संख्याओं का विस्तारित रूप लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहां पर भी, यहां पर ये जो ए है ना, अगले वाला ए, इसका मान देखो क्या होगा, इसका मान हमेशा 1 से 9 तक रहेगा, ठीक है। और ये जो आपके बी और सी है ना, पीछे वाले बी और सी, इनका मान 0 से 9 तक रहेगा,